पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका लगा है। रविवार की सुबह बलूचिस्तान के ग्वादर से जो खबर सामने आई है उससे चीन और पाकिस्तान दोनों सदमे में आ गए हैं। आपको बताएं तो चीन को बलूचिस्तान से बाहर निकलने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। सीपीईसी में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वो 90 दिनों के अंदर बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके ऊपर बड़े हमले किए जाएंगे। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस रविवार यानी 14 अगस्त को चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला बोल दिया। पीएलए के द्वारा किए गए इस आत्मघाती हमले में करीब 4 चीनी नागरिक मारे गए हैं। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा बनाए जाने वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट इस इलाके से गुजर रहा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इस इलाके के लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया है और बलूचिस्तान में चीनी और पाकिस्तानी सेना वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है और चीन और पाकिस्तान के द्वारा इस इलाके में आम नागरिकों पर लगातार जुर्म किए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के अत्याचार से उब चुके लोगों ने ऑपरेशन जीर पहजाग लॉन्च किया है और इसी ऑपरेशन के तहत अब चीन को सीधा 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। पीएलए ने बताया है कि उसके लड़ाकों ने चीनी इंजीनियरों के काफिले पर 30 मिनट तक गोलियां बरसाई जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बताएं तो बलूचिस्तान का ग्वादर एक पोर्ट सिटी है और यहां पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चीन के इस प्रोजेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को हो रहा है। इस योजना के विरोध में इससे पहले भी इस इलाके में चीनी इंजीनियरों और नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। बीते कुछ महीनों में ही इस इलाके में दर्जनों चीनी नागरिक मारे गए हैं। इसको लेकर चीन ने पाकिस्तान से नाराजगी भी जताई थी। जानकारी के लिए आपको बताएं तो सीपीईसी चीन के बीआरआई का हिस्सा है। पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने चीन के बीआरआई को दुनिया के कई छोटे और मजबूर देशों को उसके कर्ज जाल में फंसाने का मकरजाल बताया है। चीन ने अपने कई पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान को इसमें फंसाने की कोशिश की है। श्रीलंका और पाकिस्तान के खराब हालात चीन के इसी साजिश का नतीजा माने जाते हैं।